हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बिहार की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के बारे में क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बिहार में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमनद, यानी गंगोत्री हिमनद से होता है और जो उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद सोन नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटकम है, अमरकंटकम की पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों गंडक नदी, यानी गंडक नदी जो है वह अन्नपूर्णा पर्वत से इसका उद्गम होता है जो नेपाल में पड़ता है। इसके बाद कोशी नदी है जो गोसाई धाम जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। यानी कोसी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वह गोसाई नाथ जो नेपाल में जगह पड़ता है वहाँ से होता है। इसके बाद घाघरा नदी जो है, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका उद्गम स्थल जो है मापचोचुंग, यानी यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मापचोचुंग हिमनद से होता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कर्मनाशा नदी जो है, दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे होता है, तो कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके बाद महानंदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो मकलदिया राम पहाड़ी, यानी दार्जिलिंग में पड़ता है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। मकलदिया राम पहाड़ी महानंदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल है। इसके बाद बागमती नदी, यानी बागमती नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और फाल्गु नदी जो है इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है जो वहाँ से होता है। यानी फाल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वह उसका उद्गम जो है दोस्तों फाल्गु नदी का छोटा नागपुर के पठार से होता है। और अजय नदी जो है बटपाड़ जमुई में, एक जमुई में यानी बटपाड़ से होता है जो कि जमुई में पड़ता है। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने बिहार की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल से संबंधित क्वेश्चन को देखा, जो कि आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।